आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट बाय अनिकेत। आज हम लोग क्लास में पेंट कैसे करें और उसको डेकोरेट कैसे करें वही चीज़ आज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पूरे क्लास में वाइट कलर चढ़ा देंगे और उससे पहले क्लास को पानी से भिजा देंगे, जिससे कलर कम ख़त्म होगा और अच्छा देखने में भी लगेगा। तो सबसे पहले वाइट करना स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट देखिए, खाली ऊपर वाला टॉप का भाग छोड़ के बाकी सारे जगह पर वाइट मार देना है हम लोगों। सूखने के लिए कुछ देर छोड़ देना है, उसके बाद बीच से रेड कलर का बॉर्डर मारना है, अच्छी तरह से थोड़ा मोटा मारना है। अभी फिलहाल हल्का हल्का मार रहे हैं, उसके बाद इस पर दोबारा चला के मोटा कर देना है। देखिए मोटा किया जा रहा है। मोटा करने के बाद जो भी डिजाइन है उसको पेंसिल से करने के बाद उस कलर से किया जाएगा। देखिए अभी डिजाइन पेंसिल से करने के बाद ही ये कलर किया जा रहा है। किनारे किनारे पेंसिल का देखिए निशान भी है। के बाद पूरा इसके पूरा हो जाने के बाद इसको नीचे तरफ भी वही डिजाइनिंग किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और भी समझ में आएगा, अच्छा तरह समझ में आएगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिले और आगे इसी तरह वीडियो ला पाऊँ। ऊपर में येलो कलर का यूज करेंगे, जिससे ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। पीला कलर हो जाने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद अब उसके ऊपर वाला जो बचा हुआ भाग है, जो जिसमें व्हाइट कलर नहीं किया गया, उसमें ब्लू कलर का यूज करेंगे। ब्लू कलर हो जाने के बाद जितने भी बॉर्डर लाइन है उसको ऑरेंज कलर से बॉर्डर लाइन को अच्छा तरह से दिखाया जाएगा। बॉर्डर लाइन मारने के बाद ऊपर में डॉट करके बिंदु बिंदु करके डिजाइन दिया जाएगा, जिससे देखने में और अच्छा लगेगा। इसके बाद हरा कलर का प्रयोग करके गोल से बॉर्डर लाइनिंग दिया जाएगा हरा कलर का।